देखो भाई, सबसे पहले हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया है कि 40 ओम और 20 ओम के रेजिस्टर से कितना करंट पास होगा। देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये मिक्स्ड क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे सीरीज पैरेलल का बेसिक सिस्टम नहीं है। कई कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन से सिंपली सॉल्व हो जाते हैं। जो क्वेश्चन सिंपली सीरीज पैरेलल से सॉल्व नहीं हो पाता, उसे हम किरचॉफ रूल्स, जंक्शन रूल और लूप रूल लगा के सॉल्व करते हैं। इवन इस क्वेश्चन में एक और चीज़ है, हमें ना तो करंट की डायरेक्शन दी है ना करंट की वैल्यूज ली है। ऐसे में इसमें हम लोग खुद ही ले लेते हैं डायरेक्शन। जैसे मान लो बच्चे, यहाँ से हम ले लेते हैं कि यहाँ से आई वन करंट निकल रहा है, यहाँ से आई वन आया, यहाँ से आई वन आया, यहाँ से मान लो क्या करंट निकल रहा है, आई टू करंट निकल रहा है। ठीक है भाई, यहाँ से आई वन आ रहा है, यहाँ से आई टू आ रहा है। ठीक है बच्चों, अब एक्चुअल में क्या है कि यहाँ से आई वन आ रहा है, अब अगर इस ब्रांच में करंट आई टू है तो इस पूरी ब्रांच में करंट क्या होगा, आई टू होगा। ठीक है ना, और इस पूरी ब्रांच में क्या होगा, आई वन होगा। तो यहां कितना करंट जा रहा होगा, इसके लिए जंक्शन रूल यूज कर सकते हो। यहां से करंट आया, कुछ यहां चला गया, कुछ यहां चला गया, अगर आई टू यहां चला गया तो बच्चा वो यहां जाएगा, यहां कितना जाएगा, आई वन माइनस आई टू ले सकते हो। समझे, वैसे तो यार आप कुछ भी ले सकते हो, अगर आप गलत भी लेते हो तो भी ठीक है, क्योंकि बाद में जो आंसर आएगा वो सही हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा या पॉजिटिव आ जाएगा, अपने आप मैनिपुलेट हो जाता है आंसर, ध्यान रखना। अगर यहाँ आपने डायरेक्शन या कुछ चीज़ गलत भी ली है तो उसका कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आंसर सही हो जाता है बाद में, अपने आप सही हो जाता है। ठीक है ना, तो फिलहाल तो मैंने सोच के लिया है, बट अगर आप रैंडमली भी चूज करते हो आई वन आई टू या कुछ भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है यार, देखो आपको पता होगा कि हमारे पास इसमें दो अननोन है। क्या क्या अननोन है, एक करंट आई वन अननोन है, एक करंट आई टू अननोन है। ठीक है ना, I1 और I2 दो चीज़ें हमारी क्या है, अननोन है। I1 और I2 दो चीज़ें हमारी अननोन है, तो अगर हमें I1 I2 निकालना है तो हमें दो इक्वेशन बनानी पड़ेंगी। पहली तो हम लोग लूप चूज कर रहे हैं, लूप कौन सा लूप, A B C D A, A B C D A, ये लूप समझो बच्चे, A B C D A। यहाँ से आगे बढ़े, सबसे पहले बैटरी पड़ी, नेगेटिव से पॉजिटिव हम गए, हम क्या लेंगे 80, क्या लेंगे 80। क्यों, क्योंकि हमने रूल्स पढ़ रखा है कि जब हम नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं तो बैटरी की वोल्टेज को पॉजिटिव लेते हैं। फिर हम यहाँ जा रहे हैं, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या लेंगे, प्लस या माइनस, माइनस, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में रजिस्टर के थ्रू पोटेंशियल ड्रॉप माइनस लेते हैं, तो आई आर लगा देंगे। आई आर ये क्या हो जाएगा, आई इंटू आर कितना हो जाएगा, 20, आई वन हो जाएगा। फिर यहाँ से गुजरे, कोई नहीं है, फिर यहाँ से गुजरे, अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या लेंगे, प्लस या माइनस, माइनस 40 आई वन माइनस आई टू, क्योंकि करंट की डायरेक्शन और डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल अगर लूप में सेम हो तो हम लोग जो है पोटेंशियल ड्रॉप रजिस्टर को नेगेटिव लेते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर घूम के आ गए और इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, जीरो। ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, ये क्या हो जाएगा, 80 माइनस 20 आई वन माइनस 40 आई वन प्लस 40 आई टू इज इक्वल टू जीरो। ये क्या हो जाएगा, माइनस 60 आई वन प्लस 40 आई टू, इसको उधर भगा दो, क्या हो जाएगा, माइनस 80। इस इक्वेशन को डिवाइड कर दो 20 से, 20 से डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा ये भाई बोलो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन को, यार इक्वेशन वन है, इसमें दिक्कत क्या है, सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं बच्चे, कुछ ये समझ में नहीं आया, पहले बताओ ये समझ में आया, लूप बनाना नहीं आपको, लूप की इक्वेशन सेख लेना बच्चे, बट दोबारा मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ जिन जो भी नहीं आते थे। देखो बच्चे, एक्चुअली क्या होता है, जो किरचॉफ की लूप रूल होता है वो ये कहता है कि एक पॉइंट से चल के उसी पॉइंट पे वापस आना होता है। फिर उसमें क्या होता है, बैटरी की वोल्टेज लेनी पड़ती है और रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल जा रहा है वो भी लेना पड़ता है। यहाँ से आप निकले तो बैटरी की वोल्टेज लेंगे, बैटरी की कितनी वोल्टेज है, 80। अभी 80 प्लस लेना है या माइनस लेना है इस बात पे डिसाइड करता है आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी के पॉजिटिव पे जा रहे हो, लूप लेना होता है। पहले तो एक किरचॉफ में आपको पता होगा लूप लेना होता है पूरा का पूरा। आप यहाँ पे जब जा रहे हो तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो, मतलब बुरे से अच्छा जा रहे हो, बुरे से अच्छा, तो प्लस ले लिया। फिर आप इधर जा रहे हो तो ये भी तो पोटेंशियल कंज्यूम करता है, रजिस्टर का पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, आई आर होता है, आई ए रहा और आर ए रहा, बट इसका साइन नेगेटिव लेना है पॉजिटिव लेना है इस पर डिपेंड करता है। अगर आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो करंट भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है तो साइन क्या लेंगे, नेगेटिव। हम इधर जा रहे थे करंट भी इधर जा रहा है तो साइन क्या लिया जाएगा, नेगेटिव। फिर और कोई डिवाइस है क्या बीच में, नहीं, अभी हम यहाँ आ गए, इसका भी फिर इसका वोल्टेज लेंगे आई आर, इस ब्रांच से करंट कितना है, इतना, इसका रेजिस्टेंस इतना, और हम भी इधर जा रहे हैं और करंट भी इधर है तो ये नेगेटिव लेंगे, फिर यहाँ वापस आ गए, इज इक्वल टू क्या हो गया,
जीरो, और इसको सिंप्लीफाई कर लिया, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब सेकंड इक्वेशन निकालेंगे बच्चों, सेकंड इक्वेशन में कौन सा लूप लेंगे भाई बोलो, डी सी एफ ई डी। तो सबसे पहले हम यहां से गुजर रहे हैं, इसका पोटेंशियल ड्रॉप पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव लेंगे, पॉजिटिव क्योंकि हम करंट के अपोजिट जा रहे हैं, करंट के अपोजिट पोटेंशियल ड्रॉप क्या लिया जाता है, पॉजिटिव लिया जाता है। फिर यहां से यहां जा रहे हैं, यहां से यहां जा रहे हैं, अब करंट की डायरेक्शन जा रहे हैं, इसका पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, माइनस 10 I2। इसका पोटेंशियल ड्रॉप क्या लेंगे, माइनस से प्लस, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, प्लस 40, और वापस यहीं आगे क्या हो गया, जीरो। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या हो जाएगा, 40 I1 माइनस 40 I2 माइनस 10 I2 प्लस 40 इज इक्वल टू जीरो। 40 I1 माइनस 50 I2 प्लस 40 इज इक्वल टू जीरो, या फिर आप चाहो तो 40 को इधर भेज दो, ये क्या हो जाएगा, माइनस 40। 10 को इक्वेशन से डिवाइड कर दो, 10 से डिवाइड कर दोगे क्या आ जाएगा, ये आ गया अच्छे, ठीक है। अब दो इक्वेशन बन गई हमारी, ठीक है ना बच्चों, कोई गलत तो नहीं है, एक बार चेक कर लो, गड़बड़ तो नहीं इक्वेशन में। अब इसको सॉल्व करना है, I1 I2 निकालना है हमें। तो भाई कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ये क्या हो जाएगा, 3 I1 माइनस 2 I2 इज इक्वल टू 4। अब देखो बच्चों, हम चाहते हैं एलिमिनेशन कर दें, तो एक काम करो, इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से कर दो, क्योंकि ये 12 हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 4 क्या हो जाएगा, ये 12 I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 16 पूरी इक्वेशन को, और इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दो किससे, 3 से, तो ये क्या हो जाएगा, 12 I1 माइनस 15 I2 इज इक्वल टू माइनस 12। अब दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर दो, सब्सट्रैक्ट कर दिया जाएगा, इसको सब्सट्रैक्ट करोगे क्या आएगा, बोलो 7 I2, इसको सब्सट्रैक्ट करोगे क्या आएगा, 28 I2 क्या हो जाएगा, 28/7 I2 क्या आ जाएगा, 4 एम्पियर, समझे भाई। तो इसका मतलब कि इस वाली ब्रांच में जो करंट है वो कितना है, 4 एम्पियर है, और I1 कितना आ जाएगा, कैसे निकालें I1, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, किसी इसमें पुट कर दो अच्छे, 4 I1 माइनस 5 I2, 5 I2, I2 कितना है, 4 इज इक्वल टू माइनस 4, 4 I1 माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस 4, 4 I1 इज इक्वल टू इधर चला जाएगा कितना आएगा अच्छे, 16 I1 इज इक्वल टू, सही में 4 आ रहा है अच्छे, चेक कर लो एक बार, 4 आ रहा है, ठीक है ठीक है, नहीं आया, चलो ठीक है अच्छे, अब देखते हैं क्या है, वैसे तो ये बस यूनिक सा हो जाएगा, हाँ अरे बच्चे मुझे वैसे तो देखो यार कुछ गड़बड़ सी लग रही है, बराबर बराबर करंट कैसे आ गया, अगर बराबर आ गया तो इस ब्रांच में, हाँ नहीं हो सकता है, इस ब्रांच में करंट जीरो हो जाए, हो सकता है, नहीं ठीक है हो सकता है, चलो ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, हो सकता है अच्छा, हो सकता है सही है। अब पूछा गया है कि भाई 40 ओम से कितना करंट जा रहा है, तो 40 ओम से करंट जा रहा है वो I1 माइनस I2 है, I1 माइनस I2 मतलब I1 भी 4 है, I2 भी क्या है, 4 है, 40 ओम से कितना जा रहा है भाई बोलो, I1 माइनस I2, तो ये भी 4 है, ये भी 4 है, क्या आ जाएगा, 0। तो हो सकता है ऐसा हो कि यहां से करंट जाए ना, सारा करंट यहां जाने की जगह क्या चला जाए, यहां से चला जाए, आउटर लूप में करंट फ्लो कर रहा हो, इनर लूप में करंट फ्लो ना कर रहा हो, समझे। और क्या पूछा हुआ है, 20 ओम से कितना जा रहा है, 20 ओम से I1 जा रहा है, I1 की वैल्यू कितनी आई हुई है, I1 की वैल्यू कितनी है, 4 एम्पीयर है, समझे बच्चों, बोलो भाई बोलो, समझे नहीं समझे बोलो, आए समझ में। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसे मिटा दे, हाँ बोलो, भाई आप इस क्वेश्चन पे आते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, ये वाला, हाँ बच्चे अब ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास नेक्स्ट, इसमें क्या पूछा गया है, इधर देखो बच्चों, ये पूरा पूरा मतलब हमारे पास सर्किट है,
एमीटर, ये एमीटर लगा हुआ है, इसमें कितना करंट जाएगा, एमीटर में कितना करंट जाएगा। फिर से आपको ऐसे ही कुछ करना है। तो क्या मान लो बच्चे, ऐसे कुछ मान लो यहां से आई वन करंट आ रहा है और यहां से आई टू आ रहा है। यहां से ही क्यों आ रहा है? क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल है, पता है ना आप लोगों को, पॉजिटिव से करंट आता है, पॉजिटिव से आ रहा है, पॉजिटिव से आ रहा है। यहां दोनों मिलके इस ब्रांच से कितना जाएगा, ये दोनों मिल जाएंगे, यहां से मिलके इधर जाएगा आई वन प्लस आई टू, ठीक है। अगर इससे आई टू जा रहा है तो इस पूरी ब्रांच से आई टू जा रहा होगा। अगर इसमें आई टू है तो ये पूरा आई टू होगा, अगर ये आई वन है तो ये पूरा का पूरा आई वन होगा। इस पूरी ब्रांच में क्या होगा, आई वन होगा, ठीक है। अब आपको लूप रूल लगाना है, लगाए बच्चे लूप रूल, लगाए इधर देखो, क्यों नॉर्मल क्यों बच्चे, कैसे निकालोगे एक सर्किट से आई क्यू? एक काम करो बच्चे, लूप कर लो, लूप कर लो, इधर देखो लूप, सबसे पहले लूप ले लेते हैं। कौन सा लूप ले रहे हो बच्चों? पी एस आर पी, पी एस आर पी क्या होगा भाई बताओ? माइनस फाइव प्लस टू हंड्रेड आई वन, समझ रहे हो बच्चों, टू हंड्रेड आई टू, और इसका कितना होगा पोटेंशियल ड्रॉप, प्लस 20 आई वन प्लस आई टू इज इक्वल टू जीरो, समझो बच्चों। यहां से चले एक दो तीन, तीनों का वोल्टेज ले लिया हमने, बैटरी में पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं ना हम, साइन कन्वेंशन यूज करो यार, इतना टाइम हो गया पढ़ाते हुए। क्या क्या बच्चे बताओ, ये 20 है बच्चे, साइन कन्वेंशन यूज करो ना, साइन कन्वेंशन यूज करो, पॉजिटिव से नेगेटिव जाते हैं, अच्छे से बुरा हो रहे हो नेगेटिव, थ्योरी को अच्छे से पढ़ोगे तभी तो न्यूमेरिकल कर पाओगे। इधर देखो, इधर माइनस फाइव प्लस टू हंड्रेड आई टू, ये क्या हो जाएगा, प्लस ट्वेंटी आई वन प्लस ट्वेंटी आई टू इज इक्वल टू जीरो, क्या हो जाएगा ये बोलो, ट्वेंटी आई वन और आई टू कितना हो जाएगा, टू ट्वेंटी इज इक्वल टू फाइव। अब एक काम करो बच्चे, पूरी इक्वेशन को पाँच से डिवाइड कर दो, कितना आएगा, फोर आई वन प्लस, पांच से डिवाइड करोगे कितना आएगा बोलो भाई, 45 होगा, 44 नहीं होगा अच्छे, 44 फर्स्ट इक्वेशन। अब आते हैं नेक्स्ट, अब हाँ बच्चे बोलो, जो भी करें बच्चे, पूरे लूप में जो भी आ रहा है सब लेंगे, एक लूप में जो भी आएगा, एक बार हम एक लाइन ले चुके हैं फिर से लेंगे, लूप पूरा लेना है हमें, बाकी हमें लाइन नहीं देखनी, लिया है नहीं लिया है, लूप देखना है। अब दोबारा से अच्छे लूप लेते हैं, दूसरा लूप, दूसरा लूप क्या हो जाएगा, पी आर एस, ये तो पूरा लूप ले लो बट छोटा वाला ले लो ज्यादा बेटर है, पी आर क्यू पी, पी आर क्यू पी, भाई यहां से यहां चलेंगे बच्चों, पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव लेंगे, करंट इधर जा रहा है, माइनस ट्वेंटी आई वन प्लस आई टू, और यहां से जा रहे हैं ये कितना लेंगे, माइनस सिक्सटी आई वन, ये कितना लेंगे, प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, समझ गए बच्चों, कन्वेंशन लगा देंगे, ठीक है, आ जाएगा माइनस ट्वेंटी आई वन माइनस ट्वेंटी आई टू माइनस सिक्सटी आई वन प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, ये कितना हो जाएगा, ये माइनस एट्टी आई वन माइनस ट्वेंटी आई टू प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, इसको उधर ले जाएंगे, माइनस एट्टी आई वन माइनस ट्वेंटी आई टू इज इक्वल टू माइनस फोर, पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे और फोर से डिवाइड कर देंगे, फोर से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ये ट्वेंटी आई वन माइनस प्लस फाइव आई टू इक्वल टू वन। अब क्या करना है भाई, भाई अब क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, क्या करें बच्चे, एलिमिनेशन कर दे, क्या करें, इसको इसको किससे मल्टीप्लाई कर दे, फाइव से मल्टीप्लाई कर दे, क्या हो जाएगा इक्वेशन, ट्वेंटी आई वन प्लस ऊपर वाली हो जाएगी, आपने गलत कर दिया, पहले 20 आई1 आई2 बढ़ जाता, कोई नहीं बच्चे, क्या पहले का क्या पता होता है, अब आपको सब चीजें पहले पता होती है तो क्या दिक्कत है बच्चे, लाइफ में हर चीज पहले थोड़ी पता होती है, बाद में पता चलती है, ठीक है। मुझे पहले थोड़ी पता था अंकित ऐसा बच्चा है, मैंने दो साल फिर भी पढ़ा लिया ना आपको, इधर देखो बच्चे, इधर देखो बच्चे, अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन हो गई, फिर ये क्वेश्चन हो गई, अब इसको नीचे सबसेट कर देते हैं, कितना आ जाएगा ये,
बहुत कम नहीं आ रहा है, मिलीमीटर है ना, हाँ वैसे ठीक है, देखते अच्छे मिलीमीटर है हमारा। I2 इतना आ गया, I1 कितना आएगा भाई, पुट कर दें किसी में, किसमें पुट कर दें, इसमें पुट कर दें, क्या गया बच्चे, इवन कैसे आया, ये था ना वन, ये इक्वेशन ये थी ना, इसको दोनों को माइनस किया ना, इस इक्वेशन को ये मल्टीप्लाई करके फाइव से, ओ सॉरी सॉरी फोर आएगा। हाँ देख लो बच्चों नलायक हो गए, बिल्कुल बताते नहीं हो, मैं कह रहा हूँ जब इसको फाइव से मल्टीप्लाई करोगे इनको माइनस करोगे तो ये फोर ही तो आना चाहिए। हाँ फोर बाई टू पॉइंट फाइव आएगा। हाँ थैंक यू बच्चे, थैंक यू, आगे बढ़े। अब आई टू की वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, क्या आएगा बच्चे, ट्वेंटी आई वन प्लस फाइव, फाइव से मल्टीप्लाई कर दोगे क्या आ जाएगा, ट्वेंटी बाई टू हंड्रेड फिफ्टीन इज इक्वल टू वन, इसको इधर भेज दोगे, ट्वेंटी आई वन कितना आ जाएगा अच्छे, 195 बाय 215 ऐसे ही है ना, इसको 5 से डिवाइड कर दें, 8 बाय 120 नहीं आ रहा शायद, 5 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, सर आपने गलत तो नहीं कुछ, अरे यार इसको पहले इधर लेके जाते हैं ना, इधर लेके जाओ क्या, 20 आई 1 माइनस 20 बाय 215, 195 बाय 215, 5 से डिवाइड कर देना इसको, बताना कितना आएगा, 3 और 9 40 और ये, यार सब मुझे ही करना पड़ता है, अच्छे नाला आएगा सारे के सारे हमारे, इधर देखो I1 इज इक्वल टू 39 बाय 43 इंटू 20 आ गया, ठीक है ना बच्चों, ये आ गया। अब I1 I2 आ गया हमारे पास, अब इसकी रीडिंग चाहिए, इसकी रीडिंग क्या होगी, I1 प्लस I2 दोनों को ऐड कर देंगे। हाँ बच्चे लगता है ऐसा ही है, हर क्वेश्चन ही गलत लगने लग जाता है जब होता नहीं है तो। देखो भाई देखो बच्चे, ये सर्किट है, इसमें दिया हुआ है कि इस वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं है, और रेजिस्टेंस निकालना है, अननोन रेजिस्टेंस है, और दूसरा पोटेंशियल ड्रॉप निकालने ए और डी का, ये भी निकालने दो काम है। तो भाई इधर देखो अच्छे, किच ऑफ लूप रूल लगाएंगे, मान लो अच्छे यहां से करंट निकला आई वन, आई निकला या फिर यहां से आई निकला, यहां से आई निकला, अब मैंने आई वन आई टू क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहां तो डिवाइड ही नहीं हो रहा, इस ब्रांच में तो करंट जा ही नहीं रहा। इधर देखो अच्छे बोर्ड पे, अगर करंट यहां आई जा रहा है तो यहां पे भी आई जाएगा, यहां पे भी आई जाएगा, सभी में आई ही चलेगा, आई ही चलेगा, आई चलेगा, इसमें तो कोई करंट है ही नहीं, तो इस पूरी आउटर सर्किट में करंट सेम ही रहेगा। अब एक काम करो अच्छे, इस आउटर सर्किट में हम किच ऑफ लूप रूल लगा सकते हैं, बट दिक्कत ये आ रही है कि अगर आप एक लूप रूल लगाते हो तो हमारे पास दो अननोन है, क्या क्या अननोन है, एक तो हमें करंट नहीं मालूम है, दूसरा हमें रेजिस्टेंस नहीं मालूम है, क्या एक लूप रूल से काम चल जाएगा, नहीं, दो इक्वेशन दो लूप रूल चाहिए, बेटर है। और तो और एक काम करो अच्छे, ये वाला लूप ले लो, इसमें सबकी वैल्यू नोन है, पता है, मालूम है आपको, इस वाले लूप रूल से काम करो, करंट निकाल लो एटलीस्ट इस वाले से, किस वाले से, एफ ई बी ए एफ, ये लूप ले लो। बड़े बच्चों आगे, यहां से बड़े, इसका पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, माइनस वन माइनस आई, इसका कितना होगा पोटेंशियल ड्रॉप, इसका कुछ नहीं होगा, इसमें करंट नहीं है, इसका कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इसका होगा माइनस सिक्स, इसका पोटेंशियल ड्रॉप होगा माइनस सिक्स, यहां से बढ़ रहे हैं, इसका कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बताओ अच्छे, रमा बताओ, इसका पोटेंशियल, इस ब्रांच में करंट जीरो है, तो करंट अगर जीरो है तो रजिस्टर का पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि V इक्वल टू आई आर होता है, आई जीरो है, बट इसका लेंगे हम लोग पोटेंशियल। देखो अगर आप फॉर्मूले की बात करो, कॉन्सेप्ट में मत जाओ, फॉर्मूला देखो, रजिस्टर का होता है आई आर, रजिस्टर का पोटेंशियल करंट पर डिपेंड करता है, बट बैटरी का पोटेंशियल करंट पर डिपेंड करता है क्या, बैटरी का पोटेंशियल तो हमें एज इट इज लेना होता है, करंट नहीं है बट बैटरी का पोटेंशियल में करंट आता है क्या, बैटरी की पोटेंशियल में तो सीधे सीधे वैल्यू लेनी होती है, तो सिक्स, और माइनस सिक्स क्यों, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, एक मिनट रुक जाओ अच्छे, पहले ये हो जाएगा नौ, ये कितना हो जाएगा, माइनस आई इज इक्वल टू जीरो, क्या आ जाएगा अच्छे, माइनस टू आई प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, टू आई इज इक्वल टू थ्री
I इज इक्वल टू 3 बाई 2, यही आ रहा है बच्चों? सर 1 ओम वाले में I1 माइनस I2 में होगा, I2 नहीं लेंगे उसमें, किसमें, इसमें नहीं, ये 1 ओम वाले में ऊपर ऊपर, हां इसमें क्यों लेंगे? करंट बट थोड़ी रहा है बच्चे, नीचे वाली बैटरी से भी तो आ रहा है यार करंट, आई आ रहा है, आई आ रहा है, आई आ रहा है, यहां जा नहीं रहा, इसमें तो करंट जा नहीं रहा ना, नहीं जा रहा, तो इस वाली बैटरी से भी तो आ रहा है, उससे कोई मायने नहीं है, अगर ब्रांच में करंट बढ़ता नहीं है तो करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा, आएगा जाएगा सब छोड़ो, इस वाली बैटरी से भी आएगा, वो पर देखो बच्चे बैटरी का करंट मायने नहीं रखता, ओवरऑल करंट मायने रखता, लूप का दोनों का मिला के करंट आई है, ये आई करंट एक का नहीं है, ये आई करंट दोनों का मिला जुला करंट है, क्या है, मिला जुला लूप का करंट है आई, समझे, दोनों को मिला के। अब यहां पर क्या है बच्चे, ये वाला लूप लो, ये वाला बी सी डी ए वाला लूप लो, इससे अननोन रेजिस्टेंस आ जाएगा, कैसे लो बच्चे, लूप ई डी सी बी ई, चलो बच्चे इधर देखो, यहां से चले, ये कुछ है नहीं है यहां पर, इसका कितना हो जाएगा, माइनस आई आर, माइनस आई आर क्यों लेंगे, वो तो आपको पता ही होगा बच्चे, सेम डायरेक्शन में, ये क्या हो जाएगा, इसका वोल्टेज क्या लेंगे हम लोग, माइनस थ्री, इसका क्या लेंगे, प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, माइनस आई की वैल्यू कितनी है, थ्री बाय टू, आर कितना है नहीं पता, ये कितना हो जाएगा, इसको उधर भगा देते हैं, आगे अच्छे टू ओम, समझे, अब क्या चाहिए, ए और डी का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, ए और डी का, देखो बच्चों ए और डी का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो क्या करेंगे, ए से चलना चालू करेंगे, ए का पोटेंशियल ले लो वी ए, यहां से चले, बीच में बैटरी पड़ी, बैटरी का पोटेंशियल प्लस लेंगे माइनस लेंगे, अगर यहां से यहां जा रहे हैं, मान लो मैं यहां से यहां जा रहा हूं, कहीं से भी जा सकते हो, यहां से यहां जा सकते हो, यहां से यहां जा सकते हो, जिसमें कम कंपोनेंट पड़े वो ले लो, एक काम करो सबसे ऊपर ले लो, सही कह रहे हो अच्छे, वी ए यहां से चलते हैं, चलो यहां से चलते हैं, ये ए पॉइंट की वोल्टेज है, यहां से निकले, इसकी वोल्टेज क्या होगी, प्लस या माइनस, माइनस, करंट की डायरेक्शन के अपोजिट जा रहे हैं, माइनस क्या होगा, आई आर, आई कितना है, इस इसमें करंट कितना आ गया, थ्री बाई टू, अब करंट की वैल्यू क्या है, थ्री बाई टू, इसमें भी करंट कितना है, थ्री बाई टू एम्पीयर, तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, माइनस आई आर, आई कितना है और आर कितना, आई आर कितना हो जाएगा, थ्री बाई टू, फिर इसका पोटेंशियल ड्रॉप लोगे, माइनस आई आर, आई इंटू आर कितना हो जाएगा, थ्री बाई टू, माइनस लेंगे, आपको पता है ना अच्छे क्यों, अगर डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल सेम हो तो नेगेटिव लेते हैं, फिर यहां तक चलते चलते यहां पहुंच जाएंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एट डी, आपकी लाइफ में आपके इतना था, फिर आपने कुछ खोया कुछ पाया और कुल मिला के आप कहां पहुंच गए, यहां पहुंच गए, तो ये आ गया वी ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये इन दोनों, ये क्या जाएगा, माइनस सिक्स बाय टू इज इक्वल टू वी डी, क्या हो जाएगा अच्छा, ये थ्री आ जाएगा, वी ए माइनस थ्री इज इक्वल टू वी डी, इसको दे लिया, उसको दे लिया, वी ए माइनस वी डी इज इक्वल टू थ्री, ए और डी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, थ्री वोल्ट आएगा, ए और डी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, थ्री वोल्ट आ जाएगा, चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं, देखो भाई हमारे पास दो सर्किट हैं, पहला सर्किट ये और दूसरा सर्किट ये, ये जो है ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन कंडीशन वाला है, इसमें पांच रजिस्टर है, एक दो तीन चार पांच, क्या पूछा गया है, सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा और करंट क्या होगा बैटरी से निकलता हुआ, तो पहले तो उसको रीअरेंज करो, इसको रीअरेंज करेंगे तो अच्छे क्या होगा, देखो ये पॉइंट ले लो ए, ये पॉइंट ले लो बी, ये पॉइंट ले लो सी, ये पॉइंट ले लो डी, ये वाला रजिस्टर ए और बी के बी बी के बीच में कितना है, वन ओम, बी और डी ये हो गया, ये ए और सी के बीच में कितना है, टू ओम, ये हो गया, बी सी के बीच में कितना है, पांच, पांच ओम हो गया, सी डी के बीच में चार ओम हो गया, और बी और डी के बीच में दो ओम, और ये हमारी बैटरी, अब बीच वाले रजिस्टर का क्या करना है भाई बोलो, कुछ भी नहीं, गायब कर देना, क्योंकि इससे करंट जाएगा नहीं, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि अगर इसका इसका रेशियो, इसका इसका रेशियो, इन दोनों का रेशियो, इनका रेशियो बराबर होता है तो बीच वाले रजिस्टर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, उसे कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, समझो अच्छे, नहीं आर इक्विवेलेंट में उसको तो हटा ही दो, बाहर ही निकाल दो, अब ये कितना हो जाएगा, एक और दो सीरीज में कितना हो जाएगा, तीन, और ये दो और चार सीरीज में कितना हो जाएगा, छः, और
इन दोनों का पैरेलल में निकालोगे तो 2 ओम आ जाएगा अच्छे, और ये 4 वोल्ट की बैटरी। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट का कितना हुआ भाई, 2 ओम, और करंट कितना हुआ सर्किट में, P/R, वोल्टेज कितनी है 4, और करंट और रेजिस्टेंस कितना है 2 एम्पेयर का करंट फ्लो करेगा सर्किट में, समझे समझे। तो वैसे दूसरी बार करा रहा हूँ पूरा, अब इसके बाद भी मास नहीं लाया ना नाम मतलब क्या करोगे, तुम मरोगे अच्छे इसके बाद, समझ लेना अच्छे धीरे धीरे करके आराम से, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। बिटा इसको बिटा दे, बिटा देते हैं यार, आगे बढ़ते नेक्स्ट भाई। ये क्वेश्चन क्या है भाई, देखो इस क्वेश्चन में दिया गया है कि ये हमारा सर्किट है और ये क्या है, इसका नाम क्या होता है अच्छे, मीटर ब्रिज है, और इसमें इनिशियली ये RS है और बैलेंसिंग लेंथ थी 40 सेंटीमीटर। अगर ये 40 थी तो ये कितनी होगी बताना, क्यों ऐसा क्यों, ये एक मीटर का होता है, 100 सेंटीमीटर का होता है पूरा का पूरा ये, ठीक है ठीक है अच्छे। तो अब क्या किया, ये इनिशियल कंडीशन है, फाइनल कंडीशन क्या हुई, ये R है, ये S है, S के पैरेलल में हमने क्या कनेक्ट कर दिया, 12 ओम कनेक्ट कर दिया। अब बैलेंसिंग लेंथ हो गई 50 सेंटीमीटर, ये 50 हो गया, ये भी क्या हो गया 50 सेंटीमीटर हो गया। अब बच्चे दो हमें क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कहा गया ये पहले बैलेंसिंग कंडीशन थी, बैलेंसिंग लेंथ 40 थी, जब इसके पैरेलल में 12 ओम कनेक्ट कर दिया गया तो बैलेंसिंग लेंथ 50 सेंटीमीटर हो गई, बताओ कि वैल्यू ऑफ R एंड S क्या होगा, R और S क्या होगा। अगर आपको आर एस एस की वैल्यू बतानी है तो सबसे पहले आप 2 इक्वेशन बनाओ, पहले इस इक्वेशन इसकी इक्वेशन फिर इसकी इक्वेशन। तो मीटर ब्रिज की इक्वेशन क्या होती है, बैलेंस मीटर ब्रिज की इक्वेशन क्या होती है, इसका इसका रेशियो इसके इसके रेशियो के बराबर होता है, पता है ना भाई, बोलो। फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी, आर बाय एस इज इक्वल टू 40/60, क्या हो जाएगा 2/3, इसे 20 से डिवाइड कर देंगे हो जाएगा आर बाय एस इज इक्वल टू 2/3, ये हमारी होगी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या होगी भाई, इसका इसका रेशियो, अब इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये पैलर में है, पैलर में हो जाएगा 12s 12+s, क्योंकि R1 R2 / R1+R2 होता है, जब दो रेजिस्टर पैलर में लगे होते हैं तो R1 × R2, क्या फॉर्मूला होता है भाई बोलो, ये फॉर्मूला यूज करते हैं ना, क्या हो जाएगा ये R/12s 12+s इज इक्वल टू 50/50 क्या हो जाएगा 1, तो उसको उधर भगा दो, ठीक है, यहां से R की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/3 ऑफ S, दोनों से R को इक्वेट करा दो, इक्वेट करा दो, इक्वेट करा दोगे तो क्या आ जाएगा बोलो, S से S कैंसिल, 6 2, इसको इधर इसको इधर 6 ओम, X 6 ओम आ गया। अगर S 6 हो गया तो R कितना होगा, R is 2/3 of 6, R is 4 ओम, समझे भाई बोलो, बोलो भाई समझे।